Today I'm going to tell you about how to use the hashtag on YouTube properly. Increase views on YouTube videos. First of all, we should know what are YouTube hashtag. YouTube hashtag, often referred to with the hash symbols, are tags added to video title and description that denote a video topic or category. कोई भी वर्ड के आगे जब हैश या पॉन्ड साइन लगा होता है तो वो हैशटैग होता है। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब हैशटैग कैन इम्प्रूव अ वीडियो डिस्कवरेबिलिटी ऑन योर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यूट्यूब के अकॉर्डिंग हमारी सर्च या डिस्कवरी वीडियो की बढ़ जाती है। हैशटैग ऑन यूट्यूब वर्क लाइक अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर, फेसबुक। And when you click on hashtag, it takes you to other posts that also use that same hashtag. जब हम अपना कोई hashtag बनाते हैं और उसको click करते हैं, तो वही hashtag उससे related और hashtag खुल जाते हैं। तो हमको उनकी भी जानकारी हो जाती है और उनके बारे में हम जान जाते हैं। जैसे technology का हम खोलेंगे तो technology में बहुत सारे लोग। History of hashtag. Hashtag first time used in 2007, but nobody pay attention on it. But it become on trend in 2013. Actually, when you put hash symbol before any word, it become a link, and if anybody click on that hashtag, can see every post related to that hashtag. That means when you want to send any information, most of the people whom you know for that use hashtag. अभी जो आपको हमने बताया कि अपनी कम्युनिटी, अपनी नीच के लोगों को जब हम कोई चीज भेजना चाहते हैं तो उस वर्ड के अगर हम हैशटैग लगा देंगे तो इजीली हम उनको अपनी बातों को कम्युनिकेट करके भेज सकते हैं। Who can use hashtag? कौन कौन यूज कर सकता है हैशटैग? Anyone can big brand build hashtag to create and monitor a conversation surrounding a specific topic. Individual use hashtag to either take part in a large conversation or within a conversation on their own. तो hashtag कोई भी big brand या कोई भी use कर सकता है। It's depend their requirement. How to use hashtag? अब how hashtag को कैसे use करें? Example, these days BJP political party is working very well, and so hash BJP, when we write, that means they can assess about a BJP from any social media networking, from new channel or from anywhere. So it is very important to send your information anywhere by means of hashtag very easily worldwide. अगर हम hash BJP लिखेंगे तो BJP के बारे में जितना कुछ है वो हमारे सामने आ जाएगा। मिसयूज ऑफ हैशटैग, बहुत से लोग हैशटैग के बारे में नहीं जानते और उसका मिसयूज करते हैं और उनको लगाना नहीं आता हैशटैग। जैसे कोई सेंटेंस लिखा, कांग्रेस रूल्स इनफ नाउ बीजेपी इज कमिंग, तो वो सारे वर्ड के आगे हैश लगा देते हैं जिससे कि वो मिसलीडिंग हो जाता और कहीं भी कोई भी प्रॉपर जगह वो नहीं एसेस कर पाते। It is entirely become a several hashtags, so if you want to use hashtag, then use important word which solve your every problem. अब जैसे केवल अकेला hash BJP ही enough था कि BJP के बारे में जान ले, या अकेला hash Congress ही enough था कि Congress के बारे में जान ले, लेकिन हर word के आगे जब हम hash लगा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। Too many hashtag won't look nice in your post. बेसिक रूल ऑफ हैशटैग। अब हैशटैग बनाते कैसे? ऑलवेज यूज द हैश बिफोर योर चूजिंग कीवर्ड। जो वर्ड आपने चूज किया उसके आगे हैश लगा दीजिए। डू नॉट यूज पंक्चुएशन और स्पेस इन हैशटैग। कोई भी दो वर्ड के बीच में पंक्चुएशन, अंडरस्कोर, डैश, स्पेस, ये सब नहीं यूज होता हैशटैग में। इफ देयर आर न्यूमरस कीवर्ड इन हैशटैग, देन हैश दे शुड all follow together. अब इसमें देखिए इतने वर्ड है लेकिन एक ही हैशटैग लगा है इन वन फ्लुएंट फ्रेज, तो वो समझेगा कि क्या कहाँ पे जाना है।
नेवर पुट करेक्टर इमिडिएटली बिफोर द हैश. अब हैश के पहले कोई वर्ड भी या नंबर भी नहीं लिख सकते. न्यू हैश वर्ड कब लिखा तो न्यूज हैश वर्ड कब लिखा तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ. बीच में हैश आने से वो लिंक का काम नहीं करेगा. यूज लेटर एंड नंबर, नेवर नंबर अलोन. यूजिंग ऑल नंबर्स लाइक हैश वन विल नॉट जनरेट अ पॉजिटिव सर्च, बट हैश नंबर वन इन स्पोर्ट विल वर्क. अब जैसे हमने लिखा नंबर हैश नंबर वन, इट वोंट वर्क, बट जब लिखा हैश नंबर वन इन स्पोर्ट्स तो वो स्पोर्ट वालों के पास काम करेगा. नंबर वन जो है स्पोर्ट में. कीप इट ब्रीफ. सम पीपल यूज टू मैनी वर्ड्स इन हैशटैग. यूज द मोस्ट डिस्टिंग्विशेबल कीवर्ड और फ्रेज. अब बहुत से लोग होते हैं बहुत सा वर्ड उसमें यूज कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए. दो वर्ड इनफ है हैशटैग के लिए. देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हैशटैग फॉर मार्केटिंग. मार्केटिंग में तीन हैशटैग चलते हैं, ब्रांड एंड कैंपेन स्पेसिफिक, कंटेंट स्पेसिफिक एंड ट्रेंडिंग स्पेसिफिक. अब हैशटैग की डेंसिटी भी होती है. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द हैशटैग? हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी. देयर आर टू टाइप ऑफ डेंसिटी ऑफ हैशटैग. अ लॉट ऑफ पोस्ट प्लस 1 million इक्वल्स टू अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इक्वल्स टू हार्डर टू रैंक be part of the larger picture. अब आप उन लोगों से कंपटीशन करिएगा जिनका मिलियंस में व्यू है और उनके हैशटैग यूज करिएगा, तो आप उनसे ना कॉम्पीट कर पाइएगा और ना रैंक कर पाइएगा और ना उनका बराबर आ पाइएगा. तो इसलिए ऐसे लोगों का हैशटैग यूज करिए जिन जो आपके बराबरी के वाले के हों, जिससे कि आप रैंक भी कर पाइए. अब लो डेंसिटी क्या होता है? नॉट मेनी पोस्ट, लेस देन 1 million पोस्ट, लोअर कंपटीशन, इजियर टू रैंक टू द टॉप पोस्ट, स्मॉल टाइट निट कम्युनिटी. अब इस तरह से जो लो वालों के साथ आप कंपटीशन भी कर सकते हैं, उनके साथ रैंक भी कर सकते हैं और उनके बाद उनकी कम्युनिटी में आप एडजस्ट भी हो सकते हैं. तो आप अपने बराबर वालों को हैशटैग को यूज करिए. आई रिकमेंड टू यूज अ मिक्स ऑफ हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी हैशटैग व्हेन यू प्लान योर हैशटैग ग्रुप. अगर आप मिक्स यूज करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. कभी हाई डेंसिटी वाला आपको वर्क करेगा, कभी लो डेंसिटी वाला आपको वर्क करेगा. प्लेस ऑफ हैशटैग इन वीडियो. अब वीडियो में हैशटैग लगाया कहाँ? हैशटैग आर शोन इन अ टू प्लेसेस ऑफ YouTube वीडियो. YouTube वीडियो में दो जगह हैशटैग लगाया जाता है. अबव द वीडियो टाइटल, वीडियो टाइटल के साथ लगा दे. हाउ टू मेक मीम्स, जैसे हमने ये वीडियो बनाया इसमें देखिए टाइटल के साथ आपका हैशटैग आएगा. हाउ टू मेक अ मीम्स ये आ रहा है, मीम्स हाउ टू है ना. तो MS रतन अग्रवाल, तो ये हमने तीन हैशटैग दिए हैं जो टाइटल के ऊपर आएगा. तो आप 15 हैशटैग दे सकते हैं लेकिन दिखता केवल तीन ही है जो टाइटल के ऊपर दिखता है. तो ऐसे हैशटैग दीजिए जो आपका वर्क करे. और इनसाइड ऑफ वीडियो डिस्क्रिप्शन, या इसको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हमने. वीडियो डिस्क्रिप्शन में कहाँ पे दिया? डिस्क्रिप्शन की टाइटल के साथ. ये देखिए यहाँ पर इसको और बड़ा कर दें तो दिखेगा. ये हमने तीन हैशटैग यहाँ पर दे दिए हैं तो वो ऊपर दिखेगा. नेक्स्ट है, कैन यू यूट्यूब हैशटैग हेल्प यू टू गेट मोर व्यू? क्या हैशटैग हेल्प करता है व्यू बढ़ाने में? तो बिग क्वेश्चन इज, डू हैशटैग help you videos YouTube SEO? तो SEO को आपका improve करता है. Hashtag can improve your SEO. You can use related hashtag search engine operation in video description to help views find YouTube views when they search for a specific hashtag. अब किसी purpose particular hashtag को जब हम search करते हैं तो SEO जो होता है YouTube का वो help करता है उसको find out करने में.
हैशटैग कैन हेल्प यू गेट मोर व्यूज इन थ्री वेज। अब कैसे तीन तरह से आपको व्यूज को वो बढ़ाता है। हैशटैग कैन लीड पीपल टू योर वीडियो फ्रॉम अदर वीडियो दैट यूज द सेम हैशटैग। अब हमने जो हैशटैग यूज किया, जैसे हाउ टू यूज किया या मीम्स यूज किया, तो उसी हैशटैग को अगर दूसरा भी यूज करता है तो हम उससे रिलेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट यू से यू जस्ट अपलोड अ वीडियो अबाउट टेक्नोलॉजी एंड यू एडेड द हैशटैग टेक्नोलॉजी टू द वीडियो। तो जैसे ही हम हैशटैग टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने वीडियो होंगे वो हमको डिस्प्ले हो जाएंगे। वेल, व्हेन पीपल क्लिक ऑन अदर वीडियो विद द टेक्नोलॉजी हैशटैग, देयर इज चांस दैट विल लीड डायरेक्टली टू योर वीडियो। तो अगर और इसी तरह दूसरा कोई क्लिक करेगा तो आपके वीडियो पे आ सकता है, स्पेशली इफ यू रैंक फॉर दैट हैशटैग। लेकिन उसके लिए आपको रैंक होना पड़ेगा। ऑल्सो पीपुल एक्चुअली सर्च इन यूट्यूब यूजिंग हैशटैग एज देयर कीवर्ड। सो व्हेन यू ऑप्टिमाइज योर वीडियो अराउंड दैट हैशटैग, यू कैन रैंक फ्रॉम दोज हैशटैग सर्च। अब हैशटैग को कीवर्ड की तरह यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, जब आप उस वर्ड को लिखिएगा तो आपका वीडियो भी रैंक कर सकता है, लोग सर्च करेंगे तो आपके वीडियो पे पहुंच जाएंगे। जस्ट लाइक विद अ नॉर्मल यूट्यूब टैग्स, हैशटैग हेल्प यूट्यूब बेटर अंडरस्टैंड योर वीडियो कंटेंट। यूट्यूब के टैग की तरह हैशटैग हेल्प करता है आपके वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कि आप किस चीज से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। जैसे आपने डाइट से रिलेटेड बनाया, ट्रेवल से रिलेटेड बनाया, फोटोग्राफी से रिलेटेड बनाया, तो उसके आगे हैश लगा देने से पीपल को पता लग जाएगा कि आपका वीडियो किस चीज का है और उससे रिलेटेड वीडियो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। एंड बिसाइड द एसईओ बेनिफिट, हैशटैग आर अ नीट वे टू टाई वीडियो फ्रॉम योर चैनल टुगेदर विदाउट प्लेलिस्ट। और उससे क्या होगा, आपका वीडियो सर्च इंजन जो यूट्यूब का है वो आपके वीडियो को चैनल से रिलेट कर देगा विदाउट एनी यूजिंग प्लेलिस्ट। जो प्लेलिस्ट आप बनाते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट वहां से वीडियो पर रिलेट कर देगा। दैट सेड, हैशटैग aren't going to magically result in more views. In fact, hashtags are not a guarantee for success. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो आपके वीडियो पर पहुंचे, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हैशटैग यूज करने पर आपका वीडियो वायरल ही होगा। बेस्ट प्रैक्टिस, हाउ टू ऐड अ यूट्यूब हैशटैग टू योर वीडियो। दो तरीका है, यू कैन ऐड हैशटैग टू योर वीडियो डिस्क्रिप्शन, जैसा भी हमने बताया। ऑल्सो फर्स्ट थ्री हैशटैग दैट यू यूज इन योर डिस्क्रिप्शन विल शो अप अबव योर वीडियो टाइटल। तीन हैशटैग, चाहे 15 अलाउड हैं, लेकिन आप जो यूज करिएगा हैशटैग उसमें से तीन आपके टाइटल के ऊपर दिखेगा। यू कैन ऑल्सो एड हैशटैग टू योर टाइटल इटसेल्फ। टाइटल में भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ना लगाना पड़े। एंड लाइक एनी हैशटैग, द हैशटैग इन योर टाइटल इज क्लिकेबल। अब जो हैशटैग आपके टाइटल में आता है वो क्लिकेबल होता है, तो लोग क्लिक करेंगे तो आपके टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। हाउ टू फाइंड द हैशटैग टू यूज इन योर वीडियो। अब हैशटैग मिले कहाँ से, जब बनाना नहीं आता है या आपको अच्छा हैशटैग लगाना है तो कहाँ से ढूंढेंगे। हियर आर फ्यू एक्शनेबल टिप्स टू हेल्प यू टू फाइंड द हैशटैग फॉर यूट्यूब। फर्स्ट है ट्रेंडिंग वीडियो। ट्रेंडिंग वीडियो को खोलिए, चेक आउट यूट्यूब ट्रेंडिंग वीडियो कैटेगरी टू सी व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। YouTube के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लिखिए ट्रेंडिंग वीडियो ऑफ YouTube, तो आपके सामने ढेर सारे ट्रेंडिंग वीडियो आ जाएंगे। उसमें से जो ट्रेंडिंग आपको अच्छा लगे उसको यूज करिए। सर्च ऑन एड्रेस बार ट्रेंडिंग टॉपिक टुडे वीक 2001। अब आप आज का भी ट्रेंडिंग ढूंढ सकते हैं, वीक का भी ढूंढ सकते हैं, मंथ का भी ढूंढ सकते हैं और साल का भी ढूंढ सकते हैं। देन यूजिंग सम ऑफ देयर हैशटैग ऑन योर वीडियो, और उनके वीडियो का कुछ हैशटैग अपने वीडियो में यूज कर लीजिए। देन इट जस्ट अ मैटर ऑफ फोकसिंग ऑन हैंडफुल ऑफ वीडियोज ऑन दैट लिस्ट दैट हैज एन अबव एवरेज अमाउंट ऑफ व्यूज। और इस तरह से
वो आपको हेल्पफुल करेगा. एंड इफ यू फाइंड एनी रिलेटेड वीडियो दैट आर यूज हैशटैग, कंसीडर एडिंग दिस हैशटैग टू योर वीडियो. अब सेकेंड है पॉपुलर कंपटीटर वीडियो. ट्रेंडिंग वीडियो का हैशटैग यूज कर सकते हैं, टॉपिक यूज कर सकते हैं, आया पॉपुलर कौन कौन से. दिस इज सिमिलर टू स्ट्रेटेजी आई जस्ट शोड यू, बट इंस्टेड ऑफ ओनली लुकिंग एट ट्रेंडिंग वीडियो यू लुक एट द सेम चैनल ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो. देन यूज दो सम हैशटैग ऑन योर बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो यूज करेंगे और उनको उनके हैशटैग यूज कर लीजिए. फिर सजेस्टेड वीडियो आया जो जो यूट्यूब भेजता है वीडियो को लोगों के पास कि आप इसको देखिए. दिस इज अ ग्रेट टिप फॉर फाइंडिंग पॉपुलर टॉपिक एंड ट्रेंडिंग हैशटैग. ऑल यू नीड टू डू इज टाइप हैश इनटू यूट्यूब सर्च एंड यूट्यूब विल शो यू अ हैशटैग दैट आर मोस्ट पॉपुलर ऑन यूट्यूब राइट नाउ. जैसे लिखा हैश टेक्निकल ट्रेंड्स, जैसे ही आप टेक्निकल ट्रेंड्स लिखिएगा वैसे ही टेक्निकल के जितने ट्रेंडिंग वीडियो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे. If you want to take this in next level, अब आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो YouTube पे जाकर हैश ए बी जेड तक लिखिए और आपका जो टॉपिक है वो सामने आता जाएगा. जैसे हमने किया, देखिए हैश टी लिखा तो आया टेक्निकल ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, ट्रेंडिंग मूवी, टूडेज ब्रेकिंग न्यूज, टिकटॉक, जितने टी से रिलेटेड है सब आ गए. Be aware the hashtag on YouTube have downside. अब हमेशा hashtag beneficial ही नहीं होता है, ये harmful भी है. क्योंकि जब आप अपने hashtag को use करते हैं अपने video में तो वो hashtag जो होता है वो आपके video को run करते समय लोग अगर देखते हैं तो उसको click करते हैं, और click करते हैं तो आपका video छोड़ करके वो दूसरे के वीडियो पे चले जाते हैं जो ज़्यादा ट्रेंडिंग है. तो उससे आपका वीडियो रिटेंशन घट जाता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से यू ऐड 3 हैशटैग टू योर डिस्क्रिप्शन, देन दिस जो हैशटैग्स आर प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड राइट बिलो योर वीडियो, अपने वीडियो के राइट में आया, विच मेक इट टेम्पटिंग फॉर समवन टू चेक वन ऑफ दोज हैशटैग विच विल सेंड देम अवे फ्रॉम योर वीडियो. द बूस्ट इन व्यूज यू गेट फ्रॉम यूजिंग हैशटैग कैन ऑफसेट दिस लूज, बट इट्स सम टाइम टू कीप इन माइंड. तो ऐसा हैशटैग ना दीजिए कि आपके वीडियो से जाके दूसरे का वीडियो वो देखे और आपका वीडियो ना देखे. क्रिएट अ ब्रांडेड हैशटैग. अब ब्रांडेड हैशटैग का क्या फायदा है? वन वे टू गेट अराउंड लूजिंग व्यूज फ्रॉम हैशटैग इज टू क्रिएट अ ब्रांडेड हैशटैग. दैट वे व्हेन समवन क्लिक ऑन योर ब्रांडेड हैशटैग दे गो टू सर्च रिजल्ट दैट आर डोमिनेटेड बाय योर ओन वीडियो, नॉट वीडियो फ्रॉम अदर चैनल. For example, Brightside use Brightside as one of their 3 main hashtags, and when you click on that hashtag, you get list of more videos from their channel. That way, even if the hashtag hurt a particular video audience retention, it won't hurt their session time. Tips and advanced strategy. अब तो इसलिए बहुत ज़्यादा hashtag नहीं use करना चाहिए, otherwise आपका वीडियो छोड़ के वो ब्रांडेड वाले को देखेगा और आपका वीडियो ब्रांडेड में अगर वहां पे और 3 हैशटैग हैं तो वो फिर उसमें उलझ जाएगा. तो उससे क्या होगा कि आपका वीडियो कम देखेगा, दूसरे का ज्यादा. टिप्स एंड एडवांस स्ट्रेटजी. डोंट ओवरलोड इट. बहुत से हैशटैग इसीलिए यूट्यूब मना करता है कि मत लगाइए. डोंट नीड टू गो क्रेजी विद हैशटैग. In fact, if you go above 15 hashtags, what YouTube calls over tagging on a single video, YouTube ignore all of them. अगर आप 15 से ज़्यादा लगाते हैं तो वो उसको सबको इग्नोर कर देगा. Recommended limited your hashtag to 3-4 per video. तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 hashtag आप लगाइए और ऐसे लगाइए जो आपके वीडियो को लोग देखें ना कि दूसरों के. तो अपने वीडियो का हैशटैग बनाइए और उसको अपनी वीडियो पर लगाइए. यूज रेलेवेंट हैशटैग. इन अदर वर्ड एवरी हैशटैग शुड रिलेट बैक टू योर वीडियो. ऐसा हैशटैग नहीं लगाइए जो आपके वीडियो से रिलेटेड ही ना हो, अदरवाइज यू कैन गेट डिंग्ड बाय द वायलेटिंग यूट्यूब
मिसलीडिंग मेटाडेटा पॉलिसी। तो YouTube की आप मिसलीडिंग मेटाडेटा पॉलिसी में आ जाइएगा और आप पर स्ट्राइक लग सकता है। सो विद इट्स टेम्पटिंग टू होप ऑन ट्रेंडिंग हैशटैग, कीप इन माइंड दैट एवरी हैशटैग नीड टू बी क्लोजली रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ योर वीडियो। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका हैशटैग वीडियो से रिलेटेड हो। ट्राई हैशटैग टू द स्ट्रेटजीज आई कवर्ड हियर शुड गिव यू अ प्लेंटी ऑफ हैशटैग टू वर्क विद, बट इफ यू वांट इवन मोर हैशटैग आइडिया यू गो टू द हैशटैग फॉर लाइफ डॉट को कैन हेल्प। जस्ट टाइप इन टॉपिक ऑफ योर वीडियो एंड द टूल विल जनरेट अ लिस्ट ऑफ हैशटैग सजेशन। अब बहुत से हैशटैग क्रिएट करने वाले टूल्स हम बता चुके हैं, आप डिफरेंट टूल पे जा करके हैशटैग क्रिएट करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं और अपने वीडियो के व्यूज को बढ़ा सकते हैं। तो जो YouTube कहता कि 3-4 ही हैशटैग लगाइए, वो इसीलिए मना करता है क्योंकि वो जानता है ताकि आपके वीडियो से दूसरी जगह जब आदमी चला जाएगा तो आपका वीडियो वो कम देखेगा और आपका वीडियो रिटेंशन घट जाएगा। सो डोंट यूज मोर देन 3-4 हैशटैग, और इफ यू आर यूजिंग 15 हैशटैग मैक्सिमम विच यू कैन यूज देन इट कैन रिड्यूज योर व्यूज रिटेंशन एंड यू रिड्यूज योर रिटेंशन ऑफ योर वीडियो एंड इट कैन बी वॉयलेट द यूट्यूब मिसलीडिंग मेटाडेटा पॉलिसी। So don't use too much hashtag, only use video related hashtag. It will be beneficial to grow your views in your video. Thank you viewers, today it is all. If you like it, please share and subscribe. Thank you.